वाराणसी से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हूँ और आज हम बनारस से जातिगत जनगणना को जो उत्तर प्रदेश में कराने की मांग हमारी पार्टी ने उठाई है उसकी जिलों में आज से शुरुआत की जा रही है एक संगोष्ठी के माध्यम से, उसी में आज हम सब कार्यकर्ता और पार्टी के लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। संगोष्ठी के माध्यम क्या मांग करना चाहते हैं? वही देखिए, जो वर्षों से जो एक मांग हो रही है कि जो जनगणना है भारत की उसको जातिगत के आधार पर उसको किया जाना चाहिए, क्योंकि जो पिछली जातिगत जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी और आप देख रहे हैं कि इन वर्षों में भारत की आबादी 100 करोड़ की वृद्धि हुई है उसमें, लेकिन आज भी उसी अनुपात में 90 वर्ष पहले के पिछड़ों की जो गणना की जा रही है। तो जो भी भारतीय संविधान ने जो अशक्त और कमज़ोर लोगों को जो प्रावधान दिया है कि उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनको संसाधन और प्रोत्साहन जो मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा है और उसको उनके हक से वंचित कर दिया गया है, इसीलिए आज समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही है कि जातिगत जनगणना को किया जाना चाहिए, सरकार इसको करे और जो हमारे निर्बल और अशक्त लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। कुछ राजनीतिक पार्टियां ये कर रही हैं कि जब अखिलेश यादव सरकार में थे तब क्यों नहीं उन्होंने जातिगत जनगणना करवाया? आप पिछला बात ना करके आप तो बड़े बड़े दावा करते हैं कि आज भारत विश्वगुरु हो गया, तो आप आज की बात करें ना, वर्तमान की बात करें ना पहले कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरों पर ना ठोक करके पहले आज करिए जो हम तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। आप तो अपने को बताते हैं कि आप पिछड़ों के सबसे बड़े हितैषी हैं, तो अगर आप हितैषी हैं तो मुझे लगता है कि ये मौका आपको नहीं गंवाना चाहिए और आपको वो जनगणना करा देनी चाहिए। सभी लोग जो भी लगा रहे हैं, मुझे सबके अपने अपने एजेंडा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा वंचितों की और शोषितों की और गरीबों की उनकी वकालत की है और उनको वो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं।